भारत माता की जय। आज है डे 6 ऑफ 75 हार्ट चैलेंज। आज मैंने योगासन में शीर्षासन, ये नया आसन ट्राई किया। ये मैं पहले करता था बाल उगाने के लिए, पर अभी थोड़ा डिफिकल्ट जा रहा था, मेरे नेक पे थोड़ा प्रेशर आ रहा था, पर बैलेंस फाइनली हो गया बहुत टाइम के बाद। धीरे धीरे पैर भी मैंने ज्वाइन कर लिए, टाइम लगा, पर आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो आपसे भी पॉसिबल है। आज मैंने पियानो पे ओम जय जगदीश हरे ये हिंदी सॉन्ग बजाया। मैंने पिछले 5 दिनों में जितने भी लैंग्वेज सीखने की ट्राई की थी उनकी सबके आज रिवीजन की। गुजराती, पंजाबी, संस्कृत, तेलुगु, तमिल, इन सभी भाषा सीखने की ट्राई की। 1 कप दूध पी के मैं जिम चला गया। आज मैंने जिम में आर्म्स वर्कआउट किया। आर्म्स वर्कआउट में बाइसेप और ट्राइसेप दोनों मारे। स्टार्ट हमने बाइसेप से की। बाइसेप में मैंने 5 वेरिएशन का एक्सरसाइज किया। स्टार्ट मैंने कम वेट लेके किया था, पर धीरे धीरे मैं वेट बढ़ाता गया और मेरी जो पुरानी आदत थी हेवी मारने की उस तक आ पहुँचा। बाइसेप होने के बाद मैंने ट्राइसेप एक्सरसाइज भी किया। ट्राइसेप एक्सरसाइज में भी मैंने 5 वेरिएशन का एक्सरसाइज किया। बाइसेप की तरह ट्राइसेप भी मैंने हेवी मारने की बहुत कोशिश की। जिम से घर पर आने के बाद मैंने तुरंत 3 एग्स का ऑमलेट खाया। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के बाद मैं वापस नॉनवेज खाना स्टार्ट कर रहा हूँ। आज नॉनवेज होने के कारण, चिकन होने के कारण मैंने खुद से पूरा खाना बनाया। उसमें फ्राई चिकन और घर वालों के लिए रस्सा वाला चिकन बनाया, और रस्सा में कोकोनट डालने से पहले मैंने उसका स्टॉक निकाल लिया। तो खाने में मैंने फ्राइड चिकन और स्टॉक जो चिकन का होता है वो खाया। आज भी मैंने 4 लीटर पानी का कोटा कंप्लीट कर लिया। इवनिंग में मैंने कुकुम्बर और 2 केले खाने के बाद डूबते हुए सूरज के सामने सूर्य कुमार की उभरती हुई पारी देखी और मैं रनिंग के लिए चला गया। लास्ट टाइम मैंने जब रनिंग की थी तभी मेरे बोन्स बहुत दुखने लगे थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद रनिंग की थी। बैक दुखने लगी थी, शिन दुखने लगी थी, पर इस बार बहुत बढ़िया रनिंग की। 2 किलोमीटर मैंने रनिंग की। घर पर आने के बाद मैंने डिनर में राइस और चिकन खाया, और उसके बाद भगवद गीता से सीखा। ज़्यादातर लोग होते हैं ना, वो भगवान को मानते ही नहीं है। वो अपने इंद्रियों के सुख प्राप्ति के लिए और भौतिक जीवन में आनंद प्राप्त हो, इसलिए जो शक्तिशाली देवता होते ना मानव रूप में, उन्हें पूछते ताकि उनकी इच्छाएं पूर्ण हो। यह है मेरे आज के कंडीशन। मिलते हैं कल के वीडियो में।